महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतन्नमा नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणताश्वतां। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, शारदीय नवरात्र के परम पवित्र पावन दिन माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा समस्त भक्तों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आ रही हैं और हम सभी लोग माँ के इन 9 दिनों तक नित्य उपासना करते हैं, अनेक तरह से भोग लगाते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरह से माँ की पूजा करते हैं, माँ को सुंदर सुंदर सामग्रियाँ चढ़ाते हैं और माँ की जब आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो आज हम यही आपको बताएंगे कि 9 दिनों तक हमको किस दिन किस वस्तु का माँ को भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ आदिशक्ति पराम्बा हम पर प्रसन्न हो और 9 दिनों तक माँ को अलग अलग सामग्रियों का भोग माँ की सेवा में अर्पण करें और माँ दुर्गा हमारे ऊपर अपनी कृपा को बना करके रखें। तो सर्वप्रथम प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप में गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से रोग जो होते हैं, जो संकट होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। दूसरा दिन माँ का होता है ब्रह्मचारिणी। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को गुड़ वाली शक्कर एवं पंचामृत का भोग लगाया जाता है। आयु का वरदान माता देती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, तीसरा दिन माँ का जो होता है, चंद्रघंटा की पूजा होती है। मावे अर्थात खोए से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। धन और वैभव का वरदान माता देती है। चौथा दिन जो होता है, माँ का कुष्मांडा स्वरूप होता है और कुष्मांडा स्वरूप में मालपुए का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग तेज होता है। पांचवा दिन माँ का स्कंद माता का स्वरूप होता है और इस दिन नैवेद्य के रूप में, भोजन के रूप में माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ हमारे करियर से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करती हैं। और इसके साथ साथ छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इस दिन माँ को मीठा पान चढ़ाया जाता है और मीठा पान अर्पित करने से सौंदर्य होता है और आयु की वृद्धि होती है। सातवां दिन माँ का कालरात्रि का पूजन होता है और इस दिन माँ को गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में खुशहालियाँ होती हैं। आठवां दिन जो है, देवी महागौरी का पूजन किया जाता है। इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और नवा दिन जो होता है, भगवती माँ का सिद्ध धात्री के स्वरूप का पूजन होता है। इस दिन माँ को सिद्ध धात्री के रूप में पूजा जाता है। चने और हलवे का भोग लगाना चाहिए। इसी दिन कन्या पूजन का भी विधान बताया गया है। तो नवरात्रि में इस तरह से आप 9 दिनों तक विविध स्वरूपों से माँ को विविध प्रकार के भोजन को अर्पित करें। माँ आपके जीवन में अपनी मंगल कृपा को बना करके रखे। यदि आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बीच में, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ या नवरात्रि के बाद में किसी भी तरह का कोई भी पूजन पाठ या अनुष्ठान कराने का विचार बनता है, गृह प्रवेश, न्यू पूजन, काल सर्प दोष, पितृ दोष या अन्य कोई भी कार्य, नवग्रहों की शांति इत्यादि, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ब्रह्मावर्त श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान के द्वारा। वैदिक विधि के द्वारा, वैदिक आचार्यों के द्वारा अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। नवरात्रियों में भी दुर्गा जी के पाठ यहाँ पर संपन्न किए जा रहे हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे हैं, आप बात कर सकते हैं। मित्रों, पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता दी।